गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सेल का, जैसे कि हम आप लोगों को पता होगा कि प्रैक्टिकल्स किया था टेबल का, तो इस वीडियो में हम करेंगे एचटीएमएल का टेबल के एट्रीब्यूट्स, जिसमें हमने बॉर्डर पढ़ी थी, कॉल स्पेन और रो स्पेन हमने पढ़ी थी। तो मैं जैसे मैंने स्ट्रक्चर को ऐसे ही रखूँगी अभी, तो ये सारा यानी प्रैक्टिकल 10 के अंदर आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल 10 हमारा क्या था, टेबल था। तो मैं टेबल ये बॉर्डर वगैरह को ऐसे ही रखूँगी, जो नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और थर्ड नेम या मार्क्स, वट एवर यू हैव, मैं ऐसे ही इसको रखूँगी। फिर इसके बाद अभी मैं कॉल स्पेन और शो स्पेन को यहाँ पे यूज़ करूँगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था, कॉल स्पेन यानी जैसे कि हमें यानी नंबर ऑफ जो टी डी के अंदर जो कि नंबर ऑफ कोलन्स को एंटर करने के लिए हम कॉल स्पेन यूज़ करती है। रो स्पेन आपको एक यानी इनसेट दी टी डी, यानी आपको रो यानी क्रिएट करने के लिए हम यानी रो स्पेन का यूज़ करते हैं। तो चल हम देखते हैं कि रो स्पेन और कॉल स्पेन को कैसे यूज़ करना है। कॉल स्पेन हमें यानी कोलन को यानी एक टी डी के अंदर यानी नंबर ऑफ रो यानी आप कोलन आपको यानी क्रिएट करने के लिए आप यानी क्या यूज़ करते हैं, कॉल स्पेन यूज़ कर सकते हैं। और टी डी के अंदर आपको रो चाहिए तो आप रो स्पेन को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें रो क्रिएट करना होगा, जिसमें हमें लिखना होगा, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टी डी लिखूँगी, जिसके अंदर मैं कुछ नाम लिखूँगी, जैसे फातिमा लिखूँगी। फिर इसके बाद इस टी डी को मैं क्या करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ, सॉरी यहाँ पे क्लोज करती हूँ। हमारे पास कोलन कितना है, तीन है, एक फर्स्ट नेम है, दूसरा सेकंड नेम है और तीसरा मार्क्स है। बाकी दो जो दो हमारा बचा हुआ दो कोलन है, इनके लिए मैं कॉल स्पेन यूज़ करके ऐसे मैं खाली रखूँगी। उसमें मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, फातिमा बानू भी लिख सकती हूँ, फातिमा जहरा भी लिख सकती हूँ, वट एवर आप अपने हिसाब से, आपकी विश के हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे टी डी, फिर इसके बाद एस पी ए एन, सॉरी कॉल स्पेन, सी ओ एल एस पी ए एन, कॉल स्पेन इक्वल टू। फिर इसके बाद नंबर ऑफ, आपको जितना कोलन चाहिए उतना आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे चाहिए सेकंड नेम और मार्क के लिए हमें दो चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ दो। फिर इसके बाद इसको क्लोज, ये टी डी के अंदर ही देना है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया भी था कि कॉल स्पेन यानी ये जो क्या है, एक एट्रीब्यूट है, नंबर ऑफ द कोलन की जो एट्रीब्यूट्स है, दिस इज़ यूज इट इन साइड द टी डी की इन साइड में यूज़ होता है टी डी टैग के। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ टी डी को, सबसे पहले मैं क्लोज़ करती हूँ, फिर इसके बाद उस टी आर को क्लोज। कंट्रोल से देखते हैं कि अभी हमने क्या किया, फर्स्ट नेम में मैंने फातिमा लिखा, बाकी दोनों को मैंने ऐसे ब्लैंक रखा, उसमें दो मैंने कोलन को क्रिएट करके ऐसे रखा है। तो सेव, कंट्रोल है सेव, फिर इसके बाद सॉरी यहाँ पे कुछ हो गया, अभी नहीं आ रही है। देखो अभी यहाँ पे आ गया, ये दोनों ब्लैंक आ गया। इसी तरह आप लोग यानी क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कॉल स्पेंस और रोज पेंस की जगह आप रोज पेन को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैं इसको इसी को मैं कॉपी करती हूँ अभी, ताकि थोड़ा हमारा समय बच जाएंगे। टी डी, जैसे मैं यहाँ पे के एच ए टी आई जे खतीजा लिखती हूँ, बाकी फिर इसके बाद खतीजा के अंदर आपको एक टी डी के अंदर दो कोलन दो रो चाहिए, तो आपको क्या करना है, रो एस पी एन स्पेन देना। कंट्रोल एस सेव, फिर इसके बाद मैं इसको एंड, देखते हैं कि ये कैसे आते हैं। देखो जो दो रो में आपका क्या आ गया, खतीजा आ गया। अभी हम आपका ये क्या था, सेकंड रो इसके अंदर और एक रो भी है। तो रो स्पेन और कॉल स्पेन को हम एचटीएमएल में रो को क्रिएट, एक टी डी के अंदर रो को क्रिएट करने के लिए आप रो स्पेन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक टी डी के अंदर अगर आपके आपको यानी कोलन चाहिए तो आप कॉल स्पेन भी यूज़ सकते हैं। देखते हैं कि तीन को लगाने से क्या होता है, यहाँ पे नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, दो ही था, तो इसलिए यहाँ पे हमें दो ही रखना है, बाकी दो ही रखना।
इस वीडियो